नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाकू की जो तेज तर्रार, चालाक और होशियार था। ऐसा डाकू जो आर्मी मैन से डाकू बन गया। बात 70 से 80 दशक के बीच की है, जब सुंदर डाकू का क्षेत्र में डंका बसता था। उस वक्त पुलिस की नाक में दम करने वाले सुंदर के पीछे सूबे की पुलिस हाथ धोकर पड़ गई और हमेशा की तरह अंत में एक मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आज हम आपको एक ऐसे डाकू के बारे में बताना चाहेंगे जिसको दुनिया कुख्यात लुटेरा और चोर के रूप में जानती है, लेकिन गरीबों की माने तो वे उनके लिए मसीहा था। उसका नाम है सुंदर गुजर दुजाना, सुपुत्र छज्जू राम, जो दादरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। कहा जाता है सुंदर पहले आर्मी में था, लेकिन पारिवारिक किले और झगड़ों की वजह से उसको बागी बनने पर विवश होना पड़ा, जिसके बाद लगातार 23 वर्षों तक आसपास के इलाकों में उसका दबदबा बना रहा। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सेना की नौकरी छोड़कर जब सुंदर गांव आया तो उसका एक ही मिशन था कि गांव के यहाँ स्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। उस वक्त आए दिन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिला करती थी। उसकी स्कूल प्रबंधन से ठन गई। उस भ्रष्टाचार को मिटाने की जिद में उसने कानून को ही हाथ में ले लिया। स्कूल की दीवार खून से रंग गई। वह हत्यारा बन बैठा और अपराध जगत से उसका गहरा नाता जुड़ गया। इसकी दबंगई के बारे में यहां तक कहा जाता है कि उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को मारने की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को इसके पीछे लगा दिया। इनको कई बार घेरा, लेकिन उसने पुलिस को हर बार चकमा दिया। इसकी सूझबूझ और चालाकी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब एक बार पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए दुजाना गांव को चारों तरफ से घेर लिया, तो सुंदर गुजर ने आत्मसमर्पण से पहले मंदिर में पूजा करने की शर्त रखी, जिसे पुलिस ने मान लिया। इधर पुलिस उसकी पूजा खत्म करने का इंतजार करती रही, वही सुंदर गुजर हजारों पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। पिछले 60 दिनों में उसके हमले आपराधिक इतिहास बना चुके थे। एक महीने के भीतर उसने कम से कम 5 हत्याएं और प्रमुख डकैतियां की थी। एक घटना में उसने अशोक बिहार में रहने वाले एक दीवार वाले शहर के दुकानदार के बेटे को लूट लिया और गोली मार दी। एक अन्य घटना में उसने यूपी बॉर्डर से कुछ मील दूर भीड़वाल वाले ट्रांस जमुना गांधीनगर के निवासी को मार डाला। कुछ महीने पहले सुंदर लगभग पकड़ा गया था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया और वह वहां से बच निकला। एक मजबूत पुलिस टीम ने फरीदाबाद में एक बड़े बंगले में उसे घेर लिया था। सुंदर और उसके गिरोह और पुलिस पार्टी के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब उन्होंने भागने की कोशिश की। सुंदर के 2 साथियों को गोली मार दी गई थी, फिर भी किसी तरह सुंदर पुलिस के जाल से बच निकला। इसके बाद वह सेना में भर्ती हो गया, लेकिन उसने अपने ट्रेनिंग के पूरा होने के कुछ महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। अपने सेना प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए सुंदर ने एक छोटा सा गिरोह बना लिया और लगभग 12 साल पहले अपना अभियान शुरू किया। अपने मूल बुलंदशहर और पड़ोसी जिले से उसने आतंकवाद का शासन गाजियाबाद और जल्द ही पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैला दिया। पुलिस ने शुरुआत में सुंदर को पकड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल रही। यूपी पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में उसने एक पुलिस जवान की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सर पर 5,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। आखिर में उसे 10 साल पहले हथियार और हथगोलों के साथ सराह रोहिल्ला क्षेत्र से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 1975 के मध्य में अधिकारियों ने उस पर राज्य में सशस्त्र डकैती से हत्या के संगीन आरोप लगाए। जब सुंदर को ट्रेन से राज्य के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब भी वे पुलिस कस्टडी से बचकर भाग निकला था। 1977 में उसके एक साथी ने उसके साथ गद्दारी की तथा पुलिस को सुंदर गुजर के अमीरपुर के जंगल में होने की खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने अमीरपुर के जंगल को घेर लिया और लगातार 6 घंटे चली भयंकर गोलीबारी में सुंदर गुजर दुजाना को मार गिराया गया। यह भी बताया जाता है कि फायरिंग के दौरान वो एक खाली खेत में घुसा जिसमें पानी चल रहा था। रात का समय था तो किसी पुलिस वाले के खेत में जाने की हिम्मत नहीं हुई। बताया जाता है कि उस खेत में बिजली का तार डाला गया था और फिर फायरिंग की गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि जिस साथी वकील ने गरीबों के मसीहा सुंदर गुजर के साथ गद्दारी की थी, अंत समय में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और वह बड़ी दर्दनाक मौत से मरा था। उसे गरीब की हाई लगी थी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।